नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जिसका देश की राजनीति में, देश की विदेश नीति में बड़ा एक खास नाम, खास मुकाम रहा है। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने जीवन के 94 वर्ष पूरे कर चुके हैं और अब आज 95 साल की आयु उनकी शुरू हो चुकी है। अभी एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। आइए जरा हमसे बात करते हैं, कुछ यादें उनकी टटोलते हैं। और उनका नाम मैं पहले आपको बता दूं, भारत के पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह जी। नटवर सिंह जी नमस्कार, navbharattimes.com के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने 94 वर्ष जीवन के पूरे किए और 95 में आ गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और फिल्म में गाना सुना होगा पुराना के तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये तो बहुत फन है आपका। पूरी navbharattimes.com और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, मुझे एक बार बताइए, आप तो राज परिवार से जुड़े रहे हैं पुराने, तो बचपन में भी आपका जन्मदिन मनाया जाता होगा और अब भी जन्मदिन मनाया, तो दोनों में कैसे, तब कैसे मनाया जाता था और अब कैसे मनाया जाता? नहीं, जब मैं बच्चा था तो मनाया जाता था, अब तो मैं मनाता नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया कल, मेरे किसी को, मेरे वहाँ भरतपुर से हो, मेरे गांव से आगे कोई 100 लोग यहाँ मुझे मिलने के लिए, वो बेचारे वो मिठाई लाए, फूल लाए, ये लाए वो लाए, और गर्मी में 100 लोग आए, बहुत बड़ी बात है। पहले मतलब परिवार मनाता था, अब प्रशंसक मनाते तो है ना सर? हाँ, मनाते तो है। तो सर, बचपन में कैसे मनाया जाता था घर पर? नहीं, वो घर फैमिली में सब आ जाती थी, दावत खाना माना होता था। मेरे 3 बड़े भाई भी थे जी, तो बचपन में सबसे छोटा था जी। छोटा तो मैं भी हूँ, लेकिन मतलब आपको क्या, मेरे को बड़ी आप तो उत्सुकता हो, आप छोटे थे तो जानने की, आपको क्या क्या गिफ्ट मिला करते थे उस समय? अरे मुझे तो याद नहीं है, मगर इतने अब आप समझे हो गए कम से कम 80 साल, तो मुझे तो याद ही नहीं है। लेकिन आज गिफ्ट मिलते हैं तो कोई देता है, तो क्या देते हैं आपको? आप तो भरपूर है, और कोई मिठाइयाँ, कोई पेड़ लाया, कोई कुछ और लाया मथुरा के। तो आपको अच्छा लगता है कि आज की उम्र में भी ऐसे प्यार से आपके लिए लेके आते हैं, आप फिर एक्सेप्ट करते हैं? बहुत प्रभावित होता हूँ मैं, इसमें कोई बात नहीं है, तो मेरे दिल और दिमाग पर असर पड़ता है। नटवर सिंह जी, आपको मतलब आप एक राजसी परिवार से जुड़े रहे हैं, फिर देश के इतने मतलब नामी विदेश मंत्री रहे, आप आज भी कोई लाता तो एक्सेप्ट कर लेते हैं गिफ्ट जी? आज भी कोई गिफ्ट लाता आपके लिए तो एक्सेप्ट कर लेते हैं प्यार से आप? कौन सी गिफ्ट? जन्मदिन पर जो कोई आपको प्यार से देता है? हाँ, उसको मैं हाथ लगा के कहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जन्मदिन के मौके पे कुछ खास खाना पीना आपको अच्छा लगता है क्या? इस समय इस बार आपने सेलिब्रेट कैसे किया? नहीं, खाना पीना का जो मामूली खाना पीना है, मेरे बेटे आए थे उनके साथ बैठ गए थे, खाना वाना खा लिया। अच्छा अच्छा सर, आप किस मतलब हम तो जानते हैं, पब्लिक को जरा बताइए, आप कौन से राज परिवार से जुड़े रहे हैं? नहीं, मैं तो रहने वाला हूँ भरतपुर का। अच्छा जी, राजस्थान में जी। तो परिवार में राजसी कनेक्शन क्या है? नहीं, अब तो कोई कनेक्शन रहा नहीं ना, बरवार गिरा, सब राज बरवार खत्म हो गए। हाँ जी, तो भरतपुर के आ गई, तो भरतपुर के शाही खानदान से आप जुड़े रहे हैं? हाँ, मेरी फैमिली। और आपकी पत्नी? मेरी पत्नी है महाराजा पटियाला की लड़की, अमरिंदर साहब, कैप्टन अमरिंदर। इंटरव्यू कर रहा है भाई टीवी पे। हेलो, वो बड़ी बहन है अमरिंदर सिंह जी के, जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी बहन आपकी पत्नी है? जी हाँ। सर, लोगों को ये मालूम नहीं है ज्यादातर। सर, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्योंकि
आपने 94 साल पार किए, तो स्वास्थ्य के हिसाब से जर्नी कैसी रही अब तक, जी हेल्थ के एंगल से जर्नी कैसी रही अब तक की 94 ईयर्स? हेल्थ की हाँ जी अब मेरी हेल्थ कोई 2 साल तक तो ठीक थी, अब इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी है। मुझे तकलीफ है, मेरे खासकर मेरे पेट में तकलीफ है। अच्छा। तो सर ये लंबी आयु का राज थोड़ा शेयर करेंगे अपना लोगों के साथ? देखिए ये तो किस्मत में लिखा होता है, ये कोई कोशिश करने से नहीं होता। कुछ खास खान पान या डाइट या लाइफस्टाइल ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, तो इट्स योर लक। अच्छा, आज के यंग लोगों के लिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आपका मैसेज क्या रहेगा, कैसे वो लाइफस्टाइल को रखें? लाइफ स्टाइल रखिए कि सादगी, ईमानदारी, जी मेहनत और जी देश सेवा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लंबी उम्र का फायदा क्या होता है सर? लंबी उम्र का फायदा ये होता है कि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आप बच्चों के साथ, अपने ग्रेट ग्रैंडसन के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो अगर सेहत ठीक हो तो बड़ा एंजॉयमेंट है। किताब पढ़िए, किताब लिखिए, दोस्तों से मिलिए, ये तो बहुत ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन है कि आपको लंबी उम्र दी है। नटवर सिंह जी, आपने इतनी लंबी उम्र पाई है, तो पिछली सदी की जो आधी सदी थी उससे पहले का भी समय देखा हुआ है, आप क्या समझते हैं क्या फर्क आ गया आज में और तब में? नहीं, दुनिया बदल गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था तो भारत मेरे में सारे राजस्थान में बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, रेलगाड़ियां नहीं थी, हवाई जहाज का सवाल ही पैदा नहीं होता, रेडियो नहीं थे, दो चार टेलीफोन थे। बहुत बहुत बदलाव आ गया है, खासकर एक 47 के बाद। एक भोला जमाना था उस समय इंसानों में भी। हाँ, बोलना जमाना ये था कि जीवन बहुत कठिन था, गरीब जी आदमी के लिए बहुत कठिन था। हाँ, मतलब उस समय एक भोलापन था स्वभाव में, सबके सादगी थी। हाँ, सादगी थी, बहुत मजबूरी थी सादगी की भी, गरीब लोग ज्यादा थे, गाँव में रहते थे। जी सर, एक आपने सादगी की बात कही, तो आपको खान पान में क्या पसंद है? मैंने खान पान में क्या पसंद है? जी नहीं, मैं तो सादा खाना खाता हूँ बिल्कुल, और मैं गोश्त नहीं खाता। और एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं? हम करता था, अब नहीं करता। आप नहीं मैं करते? अच्छा तक अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा, खिलाड़ी रहा मैं, सारी टीमों में था किस गेम के सर? मैं। दिल्ली स्टेट का जूनियर टेनिस चैंपियन था, यूनिवर्सिटी का टेनिस चैंपियन था, हॉकी अच्छा, खेलता था, फुटबॉल क्रिकेट सब। और एक्सरसाइज में मतलब जिम वगैरह जाते थे या योगा वगैरह करते थे? मैं योगा करता था, मैं अब नहीं करता। मैं योगा करता था 10-15-20 साल तक। अच्छा, उस समय योगा करते थे आप, जी हाँ, अभी छूट गया? प्राणायाम करता था। अच्छा, प्राणायाम तब भी करते थे आप? हाँ, जब करता था मैं। अच्छा सर, अभी आप घर पर हैं, विश्राम कर रहे हैं, आगे क्या कुछ प्लान है करने का या बस विश्राम की जिंदगी? अब ये जो अगले साल बचे हुए हैं वो शांति से और चैन और अमन से और अपने परिवार के साथ अच्छी तरह कटे, और अच्छा, फिर मैं पढ़ता लिखता हूँ, एक कॉलम लिखता हूँ संडे गार्डियन के लिए हर हफ्ते। मैं अभी आप लिखने पढ़ने का काम कर पढ़ता रहे काफी हैं, हूँ। हाँ, मैं लिखने पढ़े का काम करता हूँ, तो नटवर सिंह उसमें जी कोई रोक नहीं। किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं आप? नहीं, मैं उपन्यास कम पढ़ता हूँ, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और इंटरनेशनल अफेयर्स, ऐसी किताबें। अच्छा, तो आपको सबसे अच्छी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी किसकी लगी अब तक? मुझे सबसे अच्छी ऑटोबायोग्राफी लिखी है महात्मा गांधी की, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सत्य के प्रयोग वाली जो है। हाँ, अच्छा सर, आप कुछ लिख रहे हैं इन दिनों किताब, क्योंकि जब आपने एक किताब लिखी थी मुझे याद है, आप टाइम्स हाउस की बिल्डिंग में आए थे, वे बैक 2002 या 2003 में आए थे, तो मुझे एक किताब जी भेंट हाँ, करके गए थे प्रोफाइल्स वाली, जिसमें जी सात हाँ, सात लोगों के प्रोफाइल थे, उसमें हाँ बेनजीर भुट्टो का नहीं, भी अब एमजे अकबर और मैं जी। मिलकर एक किताब लिख रहे हैं गांधी जी पर, तो गांधी दी इम्पेरिशेबल। गांधी दी इम्पेरिशेबल, तो ये कब तक आएगी? अब उम्मीद तो है कि आ जाएगी अब 2 तारीख तक। 2 तारीख तक। हाँ,
अगर मेरा साथ ठीक रहा हाँ जी, तो मैं करूंगा, नहीं फिर मैं इंट्रोडक्शन लिख दूंगा। क्योंकि मुझे याद किताब है आएगी, किताब आएगा। इससे पहले तो आपने एक वो किताब लिखी थी, इस पर कंट्रोवर्सी हो गई थी, बीच में तो कोई किताब नहीं लिखी ना? नहीं, मेरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, मेरी ऑटोबायोग्राफी है। हाँ, मैं तब आपको जब फंक्शन था रात को, आपने शाम को फंक्शन किया था, उसका हाँ फोटो भी शायद हम दिखाएंगे आज, उसमें मैं आपसे मिला था जाकर वहां जहाँ कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद तो कोई किताब नहीं आई ना सर आपको? उसके बाद मेरी किताब आई है, वॉकिंग विद लायंस आई है एक किताब, एक आई है ट्रेजर्ड लेटर्स आई है, अच्छी अच्छा चल रही है। अच्छा 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 वॉकिंग वॉकिंग विद लायंस और ट्रेजर्ड लेटर्स, तो ये किस छापा खाने से आई है, वॉकिंग विद लायंस और ट्रेजर वाली? ये सर रूपा छापी है, अच्छा और जो ट्रेजर लेटर्स है वो मेरे पास जो चिट्ठियां आई हैं बहुत, जैसे राजा जी से आई हैं, जैसे राजानंद से, आर के नारायण से, विजय सिंह पंडित से, उसके सब पत्र हैं उसमें। तो सर ये कितनी पहले आ चुकी है किताब, कितने टाइम पहले? अब हो गई उसको, मेरे ख्याल हो गई 5-6 साल हो अच्छा, और लाइंस वाली? इस गए, लाइज को भी हो गई होगी 7-8 साल हो गए होंगे। पर मैं आपके पास अगले एपिसोड में जरूर आऊंगा, लेकिन उस जो किताब पे कंट्रोवर्सी, तब तो मैं आपके पास आया था और मैंने देखा था, शाम को फंक्शन हुआ था, लेकिन अभी आप कोई किताब कर रहे हैं तो अभी दो दो तारीख तक आपको लगता है आ जाएगी? हाँ, आ जानी चाहिए, क्योंकि अकबर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मैंने उनसे कहा कि भाई इसका 3/4 तो आप लिखो, बाकी मैं लिख दूंगा। कोई बात नहीं, ये किताब आएगी तो मुझे भी इसकी एक प्रति भिजवाइएगा। हाँ जरूर जरूर, भेजी जाएगी आपको। हमने एक कॉलम शुरू किया है किताबी कीड़ा नाम से, जी और वो पुस्तक समीक्षा का ही है, नई पुरानी किताबों की, हम हाँ उसमें उसका परिचय देंगे, पुस्तक परिचय के नाम से किताबी कीड़ा कॉलम है, और हाँ उसमें आपका इंटरव्यू भी करेंगे पुस्तक से थैंक संबंधित। यू, बहुत और धन्यवाद। जन्मदिन की सर एक बार फिर से पूरे मेरी तरफ से और पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप नवा टाइम.com की तरफ से बहुत बहुत चलो शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया।